लटा लेके खुले हम मेरे तलवारा लटा लेके यहाँ की पुलिस फिर सामने करे पुलिस स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जिडमेटला ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, बकरा ईद से पहले तेलंगाना मेदक डिस्ट्रिक्ट में आरएसएस बीजेपी के वर्कर्स का मुसलमानों पर जुल्म करते हुए देखा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि हफ्ते के दिन मेदक के एक मदरसे में, जिसका नाम मिनहाज उल उलम बताया जा रहा है, वहाँ पर जानवरों को लाया गया था कुर्बानी देने के लिए, जो के लीगल थे और सर्टिफिकेट के साथ थे। उस वक्त अचानक से गैर कौम के लोग आते हैं और मुसलमानों को घायल रूप से मार कर जख्मी कर देते हैं। और तो और, हिंदुत्व के लोगों ने मुस्लिम प्रॉपर्टीज और जिस हॉस्पिटल में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जख्मी हुए थे अपना इलाज करवा रहे थे, वहां पर भी वो लोग आते हैं और पथराव करना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस पूरे मामले को लेकर हायर ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। कारवान के MLA कौसर मोहियुद्दीन ने एक वीडियो जारी करते हुए मेदक के उस वायलेंस के ऊपर एक वीडियो में क्या कहा, देखिए इस पूरे वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 बजे हफ्ते के दिन सुबह में 12:30-12 बजे के दरमियान में मेदक टाउन इंदिरापुरी कॉलोनी के पास में मदरसे मिनाजुल कुरान, उस मदरसे के हर साल की तरह इस बार भी जानवर को लाकर कुर्बानी दी जाती है और वो जानवर बिल्कुल विटनरी हाउस डॉक्टर्स की जानिब से चेक कर कर उन तमाम को दिया गया था। और वहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी के RSS हिंदुवानी के चंद कार्यकर्ता जाकर वहाँ पर गड़बड़ करे, जिसके बाद उस मदरसे के जिम्मेदार जनाब मुंबई आरिफ साहब और उनके कई साथी मिलकर DSP साहब को इत्तला करे। इत्तला करने के बाद DSP साहब वहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचकर उन तमाम को बढ़ा दिया गया। उसके बाद एक दो घंटे के बाद चार बजे से लगातार जमा होकर RSS हिंदुवानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर मेदक टाउन के अंदर मदरसे मिनाजुल कुरान के जो जिम्मेदार है आरिफ साहब को, उनके तमाम साथियों को अटैक किया गया। किसी के सर को खोल दिया गया, किसी के हाथ पैर को तोड़ दिया गया, इसी तरीके से लंगा नाच किया गया। उसके बाद मगरिब के टाइम पर जिस सदर मोहतरम को इत्तला मिलने के बाद सदर मोहतरम DG साहब से बात किए तेलंगाना के, उसके बाद श्रीधर रेड्डी साहब जो इंटेलिजेंस के एडिशनल DCP था, एडिशनल कमी वो SP वो है हमारे श्रीधर साहब CMO के इंटेलिजेंस के, उनको इत्तला करे। उसके बाद तमाम मेदक के SP साहब को वेंकट बालास्वामी साहब से भी बात किए, उसके बाद तमाम अहदेदारों से बात करे। और उसके बाद रंगनाथ साहब जो IG है इस इलाके के मेदक डिस्ट्रिक्ट के, उनको इत्तला करने के बाद उन तमाम फोर्स को लेकर वहां पर पहुंचे और सदर मोहतरम खुद बाजप्ता गुप्ता DG साहब से, SP साहब से, IG साहब से, इंटेलिजेंस के आला अहदेदारों से, पुलिस के आला अहदेदारों से रब कायम किए। उसके बाद वहाँ पर पहुँचे, मगर वहाँ पर पहुँचने तक तमाम के तमाम इस हज़ारों की तादाद में मिलकर कई होटल्स को, कई हॉस्पिटल्स को, कई पान के डब्बों को, कई दुकानों को इन तमाम मिलकर तोड़फोड़ किया गया। जो हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक जो हॉस्पिटल है पुलिस स्टेशन के सामने मेदक में, उस हॉस्पिटल के अंदर भी घुसकर SP साहब के सामने मारपीट की गई, हॉस्पिटल को तमाम को तबाह किया गया। उसी तरीके से केयर हॉस्पिटल, केयर मेडिकल शॉप को भी तबाह किया गया, बोबरची होटल को और उसके बाजू में मंदी होटल है उस तमाम प्रॉपर्टीज़ को डैमेज की गई। और जहां पर भी मेदक के लोग रहते हैं वहां के जो जिम्मेदारों को भी मारपीट की गई, हज़ारों की तादाद में जहां पर भी जा रहे थे, कुली गड्ढे के पास, अरब गली के अंदर, गीता स्कूल के पास और इसी तरीके से रशीद कॉलोनी, तमाम जिलानी गड्ढा, अरब गली, इन तमाम इलाकेजात के अंदर, रामनगर के अंदर, तमाम बस्तियों के अंदर निकल कर तलवारें लाटे लेकर निकल कर गड़बड़ करे। कई लोग जख्मी है, कई लोग बता रहे नहीं।